अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक फायर अलार्म सर्किट बनाएंगे जिसके अंदर थर्मिस्टर को मैंने एज अ फायर सेंसर यूज़ किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि थर्मिस्टर क्या होता है। थर्मिस्टर रेजिस्टर की एक ऐसी टाइप होती है जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। यानी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगी, और जब टेम्परेचर कम होगा तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करने वाले रेजिस्टर को हम थर्मिस्टर बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये थर्मिस्टर एज अ फायर सेंसर कैसे काम करेगा। इस सर्किट में जब आग लगेगी तो टेम्परेचर हमारा डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगा, और जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाएगी, और जब इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगी तो सर्किट में लगा हुआ बजर ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से थर्मिस्टर को मैंने यूज़ किया है इस सर्किट के अंदर एज अ फायर सेंसर, कि जब भी आग लगे तो हमारा फायर अलार्म सर्किट ऑन हो जाए। साथ ही मैंने इस सर्किट के अंदर एक वेरिएबल रेजिस्टर यूज़ किया है जिसके ज़रिए आप सेटिंग कर सकते हैं कि आपका फायर अलार्म कितने टेम्परेचर के ऊपर ऑन हो। तो फ्रेंड्स, ये इस सर्किट की पीसीबी है जो कि मैंने आयरन से प्रेस करके बनाई है। अगर आप इस सर्किट को बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस सर्किट की पीसीबी लेआउट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम इस पीसीबी के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स लगाएंगे और अपने सर्किट को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैंने सारे के सारे कंपोनेंट्स पीसीबी के अंदर लगा लिए हैं। अब हम अपने कंपोनेंट्स की एक्स्ट्रा लेग्स को कट करेंगे और फिर हम अपने कंपोनेंट्स को सर्किट में सोल्ड करेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारा सर्किट जो है वो कम्प्लीट रेडी हो चुका है। अब हम अपने सर्किट को टेस्ट करेंगे। इस सर्किट को मैं DC 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ टेस्ट करूंगा, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस सर्किट को 9 वोल्ट की बैटरी के साथ भी ऑपरेट कर सकते हैं। इस सर्किट को ऑन करने के लिए 500 मिली एम्पेयर का करंट भी काफ़ी है। आप DC 9 वोल्ट से लेकर DC 12 वोल्ट तक 500 मिली एम्पेयर के साथ इस सर्किट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ मल्टीमीटर के ऊपर आप देख सकते हैं कि मैं इस सर्किट को DC 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ ऑपरेट करूँगा। तो फ्रेंड्स इस सर्किट में ये जो वाइट LED है ये इंडिकेट करेगी कि हमारा सर्किट ऑन हो चुका है। और अगर आपका सर्किट कंटिन्यूसली अलार्म देता है तो आपने सिंपली इस सर्किट में लगे हुए वेरिएबल रेजिस्टर की वैल्यू को सेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये इस सर्किट में थर्मिस्टर है। जैसे ही मैं इसके पास आग लगाऊंगा तो हमारा फायर अलार्म सर्किट ऑन हो जाएगा। फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ये इस सर्किट की बॉटम लेयर और टॉप सिल्क लेयर है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इस सर्किट को प्रैक्टिकली बना सकते हैं। अगर आपको PCB बनानी नहीं आती तो ऊपर आई बटन के ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, उन वीडियोस के ज़रिए आप सीख सकते हैं कि PCB लेआउट के ज़रिए PCB को कैसे बनाया जाता है।